ये रिश्ता क्या कहलाता है? Yes sir, I know. आई नो क्यारा रूही की आर्ट स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है. उसने मुझे एक हफ्ते पहले ही बता दिया था, डोंट वरी. हाँ हाँ, उसने बताया था बर्थडे है, बर्थडे की पार्टी है और जो थीम है वो है सुपर हीरो. तो फिर पार्टी में रूही के साथ आप और आपकी वाइफ भी जरूर आइएगा. सर रूही की मदर मेरी वाइफ नहीं है. हाँ रूही के लिए हम दोनों पेरेंट्स हैं, लेकिन हम आई नो सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन 5 साल की बच्ची समझ सकती तो दुनिया भी समझ ही जाएगी. यू डोंट वरी, हम तीनों आएंगे. सी यू. पापी, आ जाओ, आ जाओ. देखो पापी ने आपके लिए क्या बनाया है. इतना प्रिटी कैन पेक. कैन पेक नहीं, पैनकेक. वही वही. और पापी, जब आप इतना अच्छा कैन पेक बना सकते हो तो मेरे बाल कितने अच्छे बना सकते हो. अरे लेकिन हेयर और ड्रेस तो माता श्री का डिपार्टमेंट है ना. यो माता श्री तो मेरे हेयर इतने टाइट बांधती है कि मैं टकली हो जाऊं. ऐसा नहीं बोलते. आप करो तो ना प्लीज पॉपी. पी फॉर पॉपी एंड पी फॉर प्लीटी प्लीज प्लीज. अच्छा ठीक है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि जब तक मैं आपके बाल बनाऊंगा आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देंगी. ओके. क्रॉस बैठो. हाँ ये लो. आपको पता है स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरीज में कितनी हेल्दी चीजें होती हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम होता है. और पापी, ब्लूबेरी में मैग्नीशियम होता है. और स्ट्रॉबेरी रेड. करेक्ट. अब मुझे ये दोनों बहुत पसंद है. वेरी गुड गर्ल. आप डॉक्टर में हेयर ड्रेसर बन जाओ. कर रहा हूँ जी. आप अपने ब्रेकफास्ट खत्म करिए, मैं आपकी चोटी बना रहा हूँ. रूही के आते ही अभी ने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया था और रूही ने होश संभालते अभी को अपनी. तुझे कभी ऐसा तो नहीं लगता ना बेटा कि रूही की दुनिया में तेरे लिए जगह कम है? नॉट एट ऑल माँ. इनफैक्ट जब से रूही आई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए भी जगह है. और अभिमन्यू के उसके पास रहने से रूही अपने पापा को भी कम मिस करती है. मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये दोनों ऐसे नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती. चलो चलो रू, बस आ गई. हाथ पोछो जल्दी. कुछ खत्म नहीं किया तुमने. बैग तुम्हारा यहाँ है, टिफिन बॉक्स है, वाटर बॉटल कहाँ है इसकी? वाटर बॉटल कहाँ है? क्या सर बॉटल? यू क्या कर रहे हैं आप? आपको बोला था ना बच्ची का स्कूल का टाइम हो गया है, आपको पता नहीं रोज का काम है. तैयार क्यों नहीं थी अभी तक बॉटल? माँ रिलैक्स, इट्स ओके. क्या हो गया अभी? बच्ची की स्कूल बस मिस हो जाती तो मैं छोड़ा था. अरे तो तुझे हॉस्पिटल जाने में देर हो जाती. कुछ भी हो जाता ना, वक्त ना बहुत कीमती होता है. अभी देर से लिए गए फैसले और देर से मिली सफाई दोनों दिल को बहुत चुभते हैं. माँ सॉरी मैडम, कल से नहीं होगा. पर आज क्यों नहीं हुआ? आज आपको बोला था ना सब कुछ करने के लिए. हाँ माँ शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए. चलो रूही चली चुप्पी. One, two, three, jump! How I wonder what you are. हो दूड़ो नचिया झटा भो खिलारी हो गंगा गोरा. अरे आप तो इतने पुराने टायर हो कि आपको टायर नहीं रिटायर कहने का मन करता है. भाई जी, इतने बेकार जो क्रैक करोगे तो गाड़ी चलने से इनकार कर देगी. अरे कैसे इनकार कर देगी, हमारी गाड़ी एकदम फिट है जी. और लाइफ की गाड़ी मतलब? अच्छा सुन, कल अम्मा ने दिमाग खराब किया था और आज तू पीछे मत लग जाना मेरे. क्यों 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 ना लगूं? मैं भी अपनी दादी की पोती हूँ,
तो जो बात उन्होंने शुरू की है उसे पूरा करना तो मेरा फर्ज है। सुन, तुझे बात करनी है? जी हाँ, तो मैसेज कर देना, मेरे पास वक्त नहीं है। जब तक आप अम्मा की बात मान नहीं लेते तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। मतलब तूने क्या अम्मा की बात मनवाने की सुपारी ली हुई है? सुपारी क्या, रोली चंदन कुमकुम सब मिल जाएगा भाई, पर शगुन की थाली में। क्या? ओ, किसका शगुन? शादी का, और किसका? किसकी शादी? भाई जी, कहते हैं लाइफ में चार चीजें कभी नहीं छुपानी चाहिए, वैद्य से रोग, भगवान से जोग, पुलिस से नेम और बहन से प्रेम। कौन कहता है? मैं कहती हूँ, और आप भी जानते कि मैं सही कहती हूँ। तो मुझसे तो अपने मन की बात मत छुपाओ, and most importantly भाभी से तो बिल्कुल मत छुपाओ। क्या? झट से जाके फट से बोल दो I love you अक्षय जी। ए, पागल है तू? क्या बोल रही है तू? चुप, एकदम चुप। तू भी बोले जा रही है। बहुत इंतजार कर लिया भाई जी, अब और वेट मत कीजिए। और हाँ, सही वक्त देख के कहूंगा वाले ट्रैप में बिल्कुल मत पड़ना। जिस वक्त आप ये बात बोल दोगे ना, वो अपने आप सही वक्त हो जाएगा। तो बस जाओ और बोल दो। ओके, बाय। ये रिश्ता क्या कहलाता है।